बाय बाय, ठीक है। पहली चीज़ तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बना के दिया है भाई को खाने में। मैं कहता हूँ ये बड़ा हेल्दी होता है, बहुत मस्त भी लगता है। तो हम कुछ दिन से ये खा रहे हैं, भाई ने बनाया था पहली बार, मुझे भी ऐसा ही लगा था कि क्या है, बट बहुत अच्छा था। तो मैं जस्ट भाई को छोड़ के एंड अभी आया हूँ, और अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, शाम को मेरे घर भी जाना है। तो एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेयर हमने कल ही अनबॉक्स की है, 3 महीने के बाद, 3 महीने पहले मंगवाई थी, काम हो गए थे, कोई रीजंस थे, मैं डर रहा था कि कहीं ये बेकार ना निकल जाए, डिफेक्टिव ना निकल जाए, लेकिन बहुत अच्छी निकली है। मैंने इसके अनबॉक्सिंग एंड इसका रिव्यू भी डाल दिया है। अब जो मुझे वीडियो एडिट करना है ना, वो इसके ऊपर बैठे करना है, बहुत मज़े आएंगे। और अभी तो बात ये है कि जो कमरा है इसमें से चद्दर वद्दर ये सारी समेटी नहीं है, एक्सरसाइज तो बाद में होती रहेगी, पहले ये कर लेता हूँ। अभी रूम क्लीन करके और खाना खा के अभी मुंह धोया है मैंने, और अभी वीडियो एडिट करूँगा भाई, क्योंकि फिर जाना भी है, नहाने का बाद में देखते हैं। कंप्यूटर ऑन कर लेता हूँ। अभी भूख लगी हो भाई, और 200 ग्राम दही खा के और उसके बाद अब काम करूँगा। हो जा भाई 200, ठीक है। मुझे क्या है, कोई काम करना पड़ जाए ना तो सबसे ज़्यादा भूख लगती है, बाकी टाइम नहीं लगती इतनी। भाई बहुत सारे लोग होते हैं जो खाना छोड़ देते हैं, किसी के साथ लड़ाई हो जाए, तब फैमिली के साथ हो जाए या किसी के साथ भी हो जाए तो खाना छोड़ देते हैं। ये मेरे से कभी नहीं हुआ, मैंने आज तक कभी खाना नहीं छोड़ा है किसी भी बात पे। क्या आप में से भी कोई ऐसा है जो कुछ बात होते ही सबसे पहले खाना छोड़ता हो? अगर है तो कमेंट करके बताओ, या आप मेरे जैसे हो, खाना कभी नहीं छोड़ोगे बाकी चाहे कुछ हो जाए, बताओ मुझे कमेंट करके। भाई का फोन आया, 15 मिनट में आने वाले हैं, और ये अभी तक हुआ नहीं है, मतलब इसको मैं अभी एक्सपोर्ट करके पोस्ट नहीं करूँगा, मतलब पब्लिश नहीं करूँगा, एंड मतलब वहाँ पे अपलोड कर दूंगा बट पब्लिश नहीं करूँगा। भाई आएंगे ना, थोड़ी सी दो चार चीज़ें जो उठानी है वो ले लूँगा, नहाया भी नहीं, पूरा दिन इसी काम में चला गया, एंड बस अभी तो घर जाने की तैयारी है। तैयारी क्या है, पहले ये काम करता हूँ, फिर उसके बाद अभी भाई आने वाला है, फिर जाता हूँ। वो मैंने दो चार चीज़ें जो रखनी थी वो देखो वहाँ पे रख रखी, वो ही लेके जानी है। अभी फिलहाल वीडियो एक्सपोर्ट होने लग रहा है, भाई भी आ चुके हैं। भाई अभी जाने से पहले क्या खा रहे हैं? थोड़ा दही बचा हुआ था, घर ले जाने से अच्छा यहीं पे अपने पेट। तो भाई मेरा काम भी हो गया है यहाँ पे, और अब मैं इसको शट डाउन करके एंड जस्ट अभी निकलते हैं। मुंह धो लिया है मैंने, अब नहाने की कोई जरूरत नहीं है। सही सही बताओ, घर जाने से पहले कहाँ जा रहे हो? देख लो, ये मान नहीं रहे, बिल्कुल नहीं मान रहे, कह रहे हैं मोमोज खाने जाऊंगा। ठीक है भाई। मेरे को भूख लगी है। अच्छा, रुका नहीं जा रहा बिल्कुल भी, चलते हैं, मौसम भी हो रहा है आज। थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है। हाँ आ गई है बारिश, ऐसी बात नहीं है। शीशे के अंदर से याद लगे चेक करने में। ये जो है ना यादव क्रंची मोमोज, यहाँ के मोमोज भाई बताते हैं कि बहुत बहुत अच्छे हैं। भाई आगे क्यों चले गए फिर? अच्छा ठीक है, बहुत लोगों से तारीफ सुनी है इनके बारे में। ये वाले जो मोमोज है ना, ये हैं क्रंची मोमोज। हाँ, दिखने में काफी सही लग रहे हैं, बट ये जो मेयोनीज है, क्या बोलते हैं इस वाली, इस चटनी को, कौन सी, व्हाइट वाली मेयोनीज? अच्छा मेयोनीज, ये हमें नहीं चाहिए थी, ये डाल दी कोई नहीं। ठीक है, सही में भाई ये देख लग तो रहे हैं थोड़े से अलग, काफी दिनों बाद ये मोमोज खा रहे हैं। ऐसे 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 मैंने नहीं खाए ऐसे वाले मोमोज।
बारिश का मौसम, हल्की हल्की बूंदे, ये टाइम मतलब आइडियल होता है कुछ भी कुछ भी खाने पीने का। हाँ, तो इसलिए हम रास्ते में ही रुक गए। खाने पीने का कोई टाइम नहीं होता, जब भूख लगाए तभी खा लो, वैसे होता है टाइम होता है, मानता हूँ इस बात को। ये पनीर ही है ना? हाँ, शक्ल तो चिकन जैसी लग रही है। हाँ वही तो। गुड। यस, मैं जब इधर जाता हूँ मेरे को ये वाले मोमोज मतलब जरूर खाता हूँ। उनके बिना काम नहीं चलता आपका? ठीक है, मैं भी चेक करके देखूँ इनको कैसे हैं। देखो, इतनी तारीफ सुनी है मैंने इन मोमोज की बहुत लोगों से, आज मैं भी ट्राई करके देख लेता हूँ कैसे हैं। मसाले बहुत ज़्यादा हैं, थोड़े से में ही लग रहा है मेरे को। मसाला बहुत ना, मतलब मजाक पाते हैं। सही सही तारीफ करते हैं जो लोग करते हैं। अब मैं अभी क्या करूँगा? वैसे आपने तो एम एल दिया ना, छोड़ा हुआ था बस चेक करने के लिए। भाई मैं ये दो ही खाऊंगा, ठीक है? याद दिला दिया अभी इन्होंने, याद तो खैर मेरे को था बट अभी इन्होंने कह दिया है तो ठीक है। मैंने भी नहीं खाए ऐसे मोमोज, मैंने भी नहीं खाए। एक बार हमने कहाँ खाए थे, हम एक बार एक जगह पे गए थे ये सोच के कि यहाँ तो पक्का अच्छे मोमोज मिलेंगे, वाव मोमोज की जो है ना, वाव मोमोज कहीं कहीं मिलते हैं। तो वहाँ खाए, कोई खास नहीं थे, जैसे अपने नॉर्मल दुकान में बनाते ना वैसे ही बनाते, उनसे अच्छे तो ये हैं, बहुत टेस्टी है। ये नजुगढ़ के पास पड़ती है, यादव क्रंची मोमोज के नाम से। अगर आपका भी कभी इधर आना हुआ और खाते हो तो अभी ट्राई कर सकते हो। 120 रुपए की प्लेट थी बट इट्स वर्थ इट। मैं ऐसे तिरछा होके बैठा हूँ। ये दूसरी वाली चटनी किसकी है? ये वाली इनके अलग से चटनी है, कुछ मेरे को अच्छी लगती है। ये दिखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे चिकन मोमोज है लेकिन नहीं, पनीर मोमोज है। ये और ये दोनों चटनी बहुत अच्छी है। यहाँ आके रुके ना, यहाँ आगे पीछे बहुत सारी गाड़ी आके रुकी, मतलब फेमस बहुत है ये, वाकई में बहुत अच्छा है भाई। अभी चलते हैं, दोबारा आएंगे इस जगह पे कभी। आगे स्वाद। अभी भाई ने ना गाड़ी, अभी कह रहे हैं कि अभी गाड़ी रोक रहा हूँ और तू भी कार चला के देख, हादसा कर ले। एक्चुअली मुझे थोड़ी थोड़ी आती है, ठीक है? तो अभी फिर अब दिल्ली से बाहर निकल लिया ना, तो अभी मैं ड्राइव करके देखता हूँ। अरे वाह, मौसम अच्छा हो रखा है, बारिश भी आ रखी है। वो चले रेडी लगा लेने तो पकड़ लेंगे, ठीक है? एक्चुअली हमने वैक्सीन तो लगवा ली दोनों, लेकिन अब भी यही रहता है कि कहीं मास्क का चलान ना कट जाए तो लगाना पड़ता है। ये कैसे रुकेगा? अच्छा, ओहो, चलो जी। और ये तुम्हारे चलाते ही बारिश शुरू हो गई है। आराम से चलाओ, ध्यान से। कई दिन के बाद चला रहा हूँ। तो आज एक जो लाइफ है कई बार सुना है वो कंफर्म हो गया है, जहां आप गाड़ी रोकोगे वहां से कोई चीज खरीदोगे आराम से 20-30 रुपए महंगी मिलेगी, 10 रुपए तो मिलनी है। और अगर पीछे जाके लेके आओगे तो ठीक ठाक रेट मिलेगी। हम पीछे गए, हमें जो एप्पल यहाँ पे 150 रुपए बोल रहा था, सेम क्वालिटी के एप्पल 120 रुपए मिल गए। हाँ, हरियाणा से हो तो हरियाणा में बोलोगे तो आपको अच्छा मतलब सही रेट लगाएंगे। और वहां जाके अगर ये शुद्ध हिंदी काटोगे ना, शुद्ध हिंदी या अंग्रेजी काटोगे ना, तो फिर ऑटोमेटिकली 10-20 रुपए बढ़ जाते हैं, है ना? वो इंग्लिश से काट लेते हैं। अभी हम पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी सी देर में हम पहुंच जाएंगे घर पे। नमस्ते भाभी। वो तेरी ला दे, रुक जवान है गिरेगी, बहुत भारी है यो। नमस्ते माते। क्या कही मम्मी तेरा थी फिर? क्या की बुलाई भाभी, मतलब मनाई? आइए मेरी राजकुमारी। नहा ले भाई, इतनी दूर से आया है, वहां से भी नहीं नहा के आया। अब तो कल ही नहाऊंगा। यहाँ गांव में एक अजीब सी
बहुत मस्त सी शांति है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद, बहुत सुकून मिल रहा है। और अभी भाभी खाना डाल रही है एंड खाएंगे और बहुत मजे आएंगे। सारे अंदर बैठे हैं, मैं भी चलता हूँ। भाभी खाने में क्या है आज बताओ? राजमा, हाँ, चावल, ओके, चटनी, रोटी, दूध, ओए होए, बहुत भूख लगी हो तो जल्दी से डाल दो फिर। हम कमरे में जाए, ले आओगे आप? ठीक है। तो भाई अभी हम खाना खाएंगे, बहुत देर से हमें भूख लगी हुई है एंड भाई तो खाने में लग गया है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं दूसरे कल वाले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक भी कर देना वीडियो को।